कौमी एहतसाब ब्यूरो का बड़ा एक्शन। SBCA के साबिक मफरूर DG मंजूर कादिर काका के खिलाफ एक और तहकीकात का आगाज कर दिया। नैब ने नस्ला टावर तर्ज के 10 मजीद हाई राइज प्रोजेक्ट के खिलाफ कानूनी इजाजतनामे देने के तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिए। ज़राए के मुताबिक साबिक DG ने कानून की धज्जियां उड़ाकर क्लिफ्टन, तारिक रोड, PCHS और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में बिल्डिंग की इजाजत दी। गैर कानूनी प्रोजेक्ट में शहरियों ने 10 अरब से जायद की सरमायाकारी की हुई है। नैब के मुताबिक PCHS ब्लॉक 2 में तो मास्टर प्लान के अप्रूवल के बगैर ही तामीरात कर दी गयी। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट ने इन प्लॉट का रिहायशी से कमर्शियल स्टेटस तब्दील ही नहीं किया। ज़राए का कहना है की प्लॉट तारिक रोड झील पार्क की प्राइम लोकेशन पर है। और इस पर 13 मंजिला इमारत तामीर हो चुकी है। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट ने 2016 में प्लॉट की तब्दीली की दरख्वास्त मंसूख कर दी थी। नैब ज़राए का मजीद कहना है कि दरख्वास्त की मंजूरी के बाद SBCA किसी तौर पर भी तामीरात की इजाज़त नहीं दे सकता, जबकि मंजूर कादिर काका ने इन प्लॉटों को नस्ला टावर की तरह अपने फ्रंट मैनों के नाम किया हुआ है।